पानी। और लगता है चुप चुप एक बार चुप मम्मी मैं बना दूँ वीडियो ब्लॉग को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं निर्मला अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल निर्मला अग्रवाल पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह मतलब दिन के 2:30 बजे से और खाना पीना हमारा हो चुका है और अभी तैयारी हो रही है मेरी आज बिटोली बांटने की, तो वो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। दोस्तों आटा गूंथिए इसमें रख दिया है और ये है मेरे चावल का आटा। तो आज नई डिक्ची का भी उद्घाटन कर दिया है हमने, चावल का आटा वो करके इसमें, तो बेलते हैं फटाफट फिर बनाते हैं। और मौसम भी तो देखिए मौसम भी इस टाइप का हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश आ भी सकती है, क्या पता, भरोसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बनने लग गई है मेरी पूड़ियाँ और साथ ही साथ एक एक करके हिस्सा भी रखते रह रही हूँ। तो इनमें रखेंगे अभी सेल तुम लोग क्यों बैठे हो यहाँ पे? बैठे बैठे दिल खो दिया। अच्छे कहाँ खोया? बड़ा है देखो कहाँ खो के आया दिल नानी के घर। अच्छा कौन सी वाली छोटी है? बड़ी छोटी नानी के घर खोया होगा, बड़ी नानी के घर तो भी गया नहीं है। मैं पका रही हूँ पूड़ियाँ, बनने लग गई हैं, थोड़ी बहुत बन भी चुकी हैं और अब हिसाब लगाना है मेरे को कि कितने मवासी हैं, मतलब कितने परिवार हैं यहाँ पे। हाँ जो बोलती है दो दिन चलता है, ऐसे ही पका ले। तो जी दोस्तों यहाँ पे बारिश की बूंदा बूंदी टपकने लग गई है और हमने लगा दिया है ऊपर से कट्ठा, क्योंकि तेल में पानी जाएगा तो चर्चर चर्चर होगी, तेल पूरा गिर जाएगा, उस वजह से थोड़ी देर ऐसा करते हैं। अगर ज़्यादा ही बारिश आ गई तो अंदर बनाएंगे खाना फिर हम लोग। कैसे बने हैं मेरे सेल कमेंट करके बताना। हाँ किस किस को खाने का मन लग रहा है कमेंट में लिखना कि मेरे को खाने का मन लग रहा है। कल वहाँ होम डिलीवरी हो जाएगी।
आपको भी बुलाया खाने का मन? चला खा ली ले। होम डिलीवरी नो चार्जेस। नीचे रख खाली। फ्री का है। मैं नहीं खा लूंगा। ऊपर से जा। मैं नीचे जा रही हूं मामा। मम्मी मेरे जल को तीन पूरी गया। भाई ये कटोरी तेल दे दे। ये जानू राखी मतलब एक राखी ये अलग की दे के आओ जाओ। मैं दे के जा। पाँच बज के 19 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और रोटी मैंने बांट दी है, पका दी है, मतलब पक गई है मेरी रोटी और बच्चे बांट के आ गए हैं सभी जगह पे। तो मैं जाती हूँ अब खेत के लिए, गाय बच्चों को घास दे के खेत जाना है मेरे को। चुके हैं खेत में और खेत में आया है मेरे साथ एक बंदर। बंदर है ये? नहीं। कौन है फिर तू? ऐसे निकाल लूंगी। अब क्या करेगा? काट काटूं? हाँ कौन है ये? रेखामा क्या कर रही है बोल? क्या कर लिया है? कुछ नहीं, बैठी हूँ तुम्हारे खेत में। शेर खाए तूने हमारी बोल? शेर खाए तूने हमारे? अच्छे हुए थे रे, एक भी और नहीं दिया है? एक और भी नहीं दिया, दो ही दिए। लगकर कम देते, शेर ज्यादा देते। शेर ज्यादा देते। उन्हें ये तो बड़ा कर दिया किला। तुम्हारे मौत घर छोए कोई ना पूरे वाला जी रोटा जा रहा थी क्या ही नहीं घर है अब आवा फिर आलो मैं ली दिया घर को हो ना हमार घर ने दी दिया था उठेने से मैं तो निरुत का रोड बन सके लेना आज के था हमार घर तो नदी पर मैं तो हमले हमार घर तो दोस्तों टाइम हो गया है 8:15 मिनट और बनाने लग गई खाना। मैं बना रही हूँ बाहर सेल बना रही हूँ और सेजल बना रही है किचन में रोटी और मीठे सेल बना रही हूँ अभी मैं बच्चों के लिए। तो सभी को मीठे सेल पसंद है तो फूल डब्बा सतल्ला पैसा मुझे निकाल ली एक चम्मच यहाँ लगा। तो दोस्तों सेल मेरे बन चुके हैं, अभी बना रही हूँ मैं पूरी मीठी सेल और बना रही है सेजल किचन में खाना मतलब रोटी बना रही है क्योंकि कोई रोटी वाले हैं कोई सेल वाले। तो बच्चे बोल रहे थे कि मीठी सेल डालना करके, तो सभी सेल डाल रखे हैं मैंने मीठे। और दिन में आज बांटी थी हम लोगों ने बेटोली बांटी थी क्योंकि इस महीने का बोलते हैं जो बेटोली नहीं बांटता है रोटी नहीं बांटता है उसको दलिद्र लगता है बोलते हैं पहाड़ों में। ये रीति रिवाज है पहले बुज़ुर्गों के ज़माने से, तो वो रीति रिवाज हमने भी कायम रखी है और हो सके भगवान की कृपा रहेगी तो आगे भी ऐसे ही इस रीति रिवाज को हम कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की ये परंपरा है पहले से रीति है यही। और दोस्तों अब मैं वीडियो की समाप्ति भी यहीं पे कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।